मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि ये वो पूजा है जिसकी खोज भगवान स्वयं करते हैं। राधे राधे, शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, जीवन एक अबूझ पहेली है, कब जीवन में क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अब किसी को पता था कि कोरोना आ जाएगा, ऐसे लोग चले जाएंगे सब कुछ छोड़कर, लोगों की लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी। किसी को कुछ नहीं पता था, जिसको ये बीमारी हो गई फिर उसे पता ही नहीं चलता कि जीवन बचेगा या नहीं बचेगा। इसलिए हमेशा दूसरों में अच्छाई देखो और खुद में बुराई। किसी की बुराई नहीं करनी है, हमेशा खूबियों को अगर हम देखेंगे तो हमारा जीवन सही सलामत रहेगा। मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार रोहन नाम का एक लड़का था, बहुत अमीर था। उसी गांव के अंदर एक सुरीली नाम की लड़की रहती थी, वो गरीब किसान की लड़की थी। रोहन उससे बड़ा प्यार करता था, लेकिन सुरीली को पता नहीं था। एक दिन उसने सुरीली को कहा तो सुरीली सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी थी, उसने कुछ सोचा और मना कर दिया। जब रोहन को इस बात का पता चला कि ये इसलिए विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि ये गरीब है और मैं अमीर हूँ, फिर रोहन ने जो है सुरीली के माता पिता से बात की, उन्होंने सुरीली को समझाया और उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात भी रोहन सुरीली को बहुत प्यार करता था, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन कुछ सालों के बाद सुरीली को चरम रोग हो गया। अब उसका शरीर जो है दुर्बल होने लग गया और उसकी स्किन खराब होने लग गई। एक दिन उसने सोचा कि अब मैं बदसूरत हो रही हूँ, पता नहीं मुझे रोहन प्यार करेगा या नहीं करेगा। इसलिए वो दिन पर दिन सोच सोच के और ज्यादा कमजोर होने लग गई। एक बार रोहन किसी काम से बाहर गया था, जब वापस आया उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, उसने उस एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो दी। जब सुरीली को ये पता चला तो वो दिन रात उसकी सेवा करने लगी, लेकिन अब उनका दाम्पत्य जीवन पहले जैसा हो गया क्योंकि रोहन तो उसको देख नहीं सकता था। वो दिन पर दिन और ज्यादा बदसूरत होती जा रही थी, लेकिन उनका जीवन खुशहाल था। रोहन उससे अभी भी उतना ही प्यार करता था, लेकिन कुछ सालों पश्चात जो है सुरीली की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात अब रोहन ने सोचा कि यहाँ तो मेरा कोई है नहीं, उसे बड़ा दुख हुआ था उसकी मृत्यु का। उसने कहा कि चलो, यहाँ तो सुरीली की यादें हैं, मुझे परेशान करती हैं, इसलिए ये शहर ही छोड़कर मैं चला जाता हूँ। पास में ही उसका एक मित्र रहता था, गोविंद। जब उसको ये बात पता चली तो वो रोहन से मिलने आया और उसने कहा कि तुम्हारी आंखें तो है नहीं, तुम बाहर जा रहे हो दूसरे शहर, मुझे पता है कि पत्नी के दुख से तुम बहुत दुखी हो क्योंकि तुम उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो तो तुम्हारा बहुत ध्यान रखती थी। आप दूसरे किसी शहर में जाओगे, वहां आपको कोई जानता नहीं है, आप कैसे रहोगे। तब जो है रोहन ने बताया कि गोविंद, मैं तो कभी अंधा था ही नहीं, मैं तो सुरीली के लिए ये नाटक कर रहा था अंधेपन का, क्योंकि जब उसे चरम रोग हुआ तो वो ये सोच सोच कर दुबली होने लग गई कि मैं बदसूरत हो गई हूँ, पता नहीं मुझसे रोहन प्यार करेगा या नहीं करेगा, मेरा क्या हाल होगा, इसलिए मैंने ये नाटक किया था ताकि हमारा जीवन जो है आराम से चलता रहे। मैं सुरीली को पहले भी प्यार करता था, अब भी प्यार करता हूँ। तो बेटा, जीवन में, दाम्पत्य जीवन के अंदर हो या किसी और संबंध में हो, शरीर की सुंदरता पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यक्ति का दिल अच्छा है, सुंदर है, उससे प्रेम करना चाहिए, तो वास्तविक प्रेम यही होता है। तो आप भी अपने जीवन में जिससे भी प्रेम करें, वास्तविक प्रेम करें, बाह्य या शारीरिक सुंदरता से नहीं। अच्छी लगी ना कहानी,
तो अगर कहानी पसंद आई और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।